दो नए फोन्स कार्बन के जो कि कार्बन एक खास तौर पे टीनेजर्स के लिए निकाले हैं। डिज्नी ने डिजाइन किए हैं ये फोन खास तौर पे हैना मोंटाना का, जिसे लड़कियां काफी पसंद करती हैं। लेकिन देखने में बहुत ही सादे से सिंपल से फोन है, लुक्स तो हमें कुछ खास इम्प्रेस नहीं कर पाए। देखते हैं कि क्या फीचर्स इनके इम्प्रेसिव हैं या नहीं। ये टीन्स के लिए है, ये डिज्नी लवर्स के लिए है और इसके दाम भी बहुत ज्यादा नहीं। कार्बन लाया है डिज्नी के कस्टमाइज फोन्स। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला फोन है हैना मोंटाना KD100, जो 2000 रुपए से भी कम में मिलेगा और जाहिर है किशोरों के मन को भाएगा। फोन को डिजाइन ही टीनेज लड़कियों को जहन में रखकर किया गया है। फोन बहुत हल्का है और प्लास्टिक का लगता है। बीचों बीच स्वारोव्स्की जर्कोनिया है, जिसे क्लिक किया जा सकता है और इसके चारों तरफ एक सिल्वर रिंग है नेविगेशन के लिए। एक्सेसरीज भी कस्टमाइज्ड हैं। फोन के साथ एक बैक कवर भी मिलता है। ये एक ड्यूअल सिम फोन है, जिसके किनारे पर एक स्लॉट मिलेगा। नीचे USB पोर्ट है और ऊपर टॉर्च। नहीं है तो ऑडियो जैक। फोन के साथ आने वाले हेडफोन को USB पोर्ट के जरिए कनेक्ट किया जा सकता है। हैना मोंटाना फोन भले ही असली गायिका जितना अच्छा ना हो, लेकिन इसमें हैना की सारी चीजें भरने की कोशिश जरूर की गई है। जैसे ही 2.4 इंच का स्क्रीन ऑन होता है, वैसे ही एक लाइव हैना मोंटाना वॉलपेपर सामने आ जाता है। इसमें हैना मोंटाना के प्री लोडेड गेम्स तो हैं ही, लायन किंग और टैंगल्ड भी है, यानी इस बात की गारंटी है कि आप कभी बोर नहीं होंगे। KD100 में 2 MP का कैमरा है और ये GPRS इनेबल्ड है। ब्लूटूथ भी है और मेमोरी बढ़ाकर 32 GB तक की जा सकती है। अब बात KD10 की। इसमें भड़कते पीले, काले और सफेद रंगों का संगम है। KD10 KD100 से जरा सा बड़ा है और इसमें मिकी माउस का अंदाज है। मेमोरी बस 8 GB तक की है और पीछे 2 MP का कैमरा है। ये भी ड्यूअल सिम डिवाइस है। सेल गुरु की राय, टीन मार्केट के लिए ये अच्छी कोशिश है। आजकल हमारे फोन्स में है सिर्फ बातचीत करने का जरिया नहीं रह गए, हम बहुत कुछ करते हैं अपने फोन्स के जरिए। इंटरनेट सर्व करते हैं, फोन बैंकिंग करते हैं। ऐसे में हमारे फोन्स के अंदर हमारी सारी जिंदगी, हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होता है। सोचिए अगर इस फोन पे कोई धावा बोल दे और आपकी इन्फॉर्मेशन चुराने की कोशिश करे, तो आइए एक नजर डाल लेते हैं कि हमारे फोन को और उसमें स्टोर्ड हमारी इन्फॉर्मेशन को किस किस तरह के खतरे हैं।